हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एस्कॉट्स के शेयर के बारे में। तो गाइस, अगर आप किसी भी शेयर को कंफर्म बाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक शेयर लाया है। अगर आप इस शेयर को बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसी तरह का एक शेयर मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ जो हमारे आपको चैनल पे मिल सकते हैं। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। चैनल पे आते ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में आइएगा। प्लेलिस्ट में आते ही आपको ये दो लिस्ट मिलेंगे, एक ब्लू चिप स्टॉक्स को, अगर आप बाई ऑन डिप्स करना चाहते हैं तो गाइस आप यहाँ से इस शेयर को चूज कर कन्फर्म कर बाई कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड वाले शेयर को बाई करना चाहते हैं तो गाइस आप यहाँ से आकर के अपने शेयर को कंफर्म कर शेयर को बाई कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस शेयर्स के बारे में आज इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैंने आज के इस वीडियो में ये 6 पॉइंट आपके साथ क्लियर किए हैं। नंबर फर्स्ट में मैंने आपके साथ क्लियर किया है इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग और जो है एस्कॉट्स का प्राइस अर्निंग मैंने आपके साथ क्लियर किया है। नंबर सेकंड में हम गाइज देखेंगे परफॉर्मेंस इसका 1 मंथ का, सॉरी 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और टोटली 1 ईयर का परफॉर्मेंस मैंने आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ इसका। तो गाइज अगर 3 पॉइंट्स देखें तो 3 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं इसका फाइनेंशियल जो नेट इनकम रहा है, तो मैं 2020 का क्वार्टरली का शेड्यूल अगर मैं इसका नेट इनकम आपको क्लियर करने वाला हूँ। नंबर फोर में हम गाइज देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग, प्रमोटर्स के पास, FIA के पास, DIA के पास और टोटल पब्लिक के पास कितने परसेंट तक का शेयर होल्डिंग अभी है, इसमें हम ये भी क्लियर करेंगे। नंबर फाइव में हम देखेंगे गाइस जो है, नंबर फाइव में हम देखेंगे इसका टारगेट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कि अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो इसका टारगेट क्या क्या हो सकता है। गाइस अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ तक ये शेयर जा सकता है, और अगर ये सपोर्ट इसका देखेंगे, अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, कहाँ के बाद वापस अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। नंबर सिक्स में हम देखेंगे गाइस इसका RSI और MACD हम क्लियर करेंगे, वो भी रियल चार्ट पे। आप देख सकते हैं कि RSI से आपको ये क्लियर होगा कि ये शेयर को हम बाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर सेल करने का ये सिग्नल दे रहा है या नहीं। तो MACD और RSI हमें सिग्नल देता है बाई करने का और सेल करने का, इससे भी क्लियर करेंगे कि ये सिग्नल आपको बाई करने का भी दे रहा है या नहीं। मैंने इस वीडियो में ये 6 पॉइंट्स काफी क्लियरली डिस्कस किए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइज अगर इसके प्राइस अर्निंग की बात करें, देखिए इसका प्राइस जो इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग है वो 26.63 है। जो इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग है वो 26.63 है और जो एस्कॉट्स का जो है प्राइस अर्निंग वो 21.1 है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो एस्कॉट्स का जो प्राइस अर्निंग है इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग से अभी अभी ये कम है, आपको सस्ते प्राइस भी आपको मिल रहा है। तो गाइज अगर आप शेयर को बाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आपको ये कम प्राइस में ही मिल जा रहा है, आपको सस्ता ये शेयर आपको मिल रहा है। तो गाइस अगर इसके डिविडेंड की बात करो तो डिविडेंड आप देख सकते हैं 0.21% देता है। तो इसके परफॉर्मेंस की बात करो, देखिए मैंने इसका परफॉर्मेंस लगा रखा है, ये जो 1 वीक का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 4.13%। तो गाइस आपको ये 1 वीक में ही आपको 4% तक का परफॉर्मेंस इसने क्लियर किया है आपके साथ। आप देख सकते हैं अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आपको 1 वीक में ही आपको 4% तक का इनकम हुआ होगा गाइस। तो काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस आपके साथ क्लियर किया है 1 वीक में। अगर गाइज 1 मंथ की बात करें तो आप 1 मंथ में देख सकते हैं -4.69%। तो गाइज अगर 3 मंथ की बात करें तो आप 3 मंथ में भी देख सकते हैं -12.70%। तो गाइज अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में आप देख सकते हैं ये -5.17%। तो गाइज अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं 55.27%। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसने 1 ईयर में आपके सामने क्लियर किया है। तो गाइज अगर आपने इसमें 1 ईयर पहले इसमें 1 लाख रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो अगर आप 1 ईयर बाद अगर आप शेयर को सेल किए होंगे तो आपको 1,55,000 रुपए तक का फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो गाइज ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका 1 ईयर का। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप शेयर को बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफी अच्छा ये प्रॉफिट है। तो गाइज फाइनेंशियल की बात करो, देखिए मैंने फाइनेंशियल जो है स्कॉट्स का फाइनेंशियल लगा रखा है और ये मैंने क्वार्टरली का चार्ट लगा रखा है। आप देख सकते हैं इसका मैंने आपको सामने नेट क्लियर नेट इनकम क्लियर किया है। आप देख सकते हैं Q4 2019 का जो इसका नेट इनकम रहा है 1.28 बिलियन। तो गाइज काफी अच्छा इसने नेट इनकम दिया है Q4 2019 में। अगर Q1 2020 की बात करें तो आप देख सकते हैं 924 मिलियन। तो गाइस ये इसने Q4 2019 के पश्चात Q1 में इसने जो है Q1 2020 में थोड़ा कम किया है, नेट इनकम क्लियर किया है, लेकिन आप Q2 2020 में आप देख सकते हैं 2.27 बिलियन तक का फ्रेंड्स इसने नेट इनकम आपके सामने क्लियर किया है। तो Q4 2019 के पश्चात Q1 2020 में इसने कम किया था, लेकिन वापस इसने Q2 2020 में काफी अच्छा रिटर्न्स के साथ आप देख सकते हैं 2.27 बिलियन से ये नेट इनकम आपको सामने क्लियर किया। तो काफी अच्छा ही इसने नेट इनकम Q2 2020 में क्लियर किया है। अगर Q3 2020 की बात करें तो गाइज आप देख सकते हैं 2.87 बिलियन। तो गाइज इसने Q2 के अपेक्षा Q3 में भी काफी अच्छा नेट इनकम क्लियर किया है।
तो आप गाइस देख सकते हैं इसका अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आप देख सकते हैं Q1 2020 का ग्राफ, Q2 2020 का ग्राफ और एक Q3 2020 का ग्राफ आप देख सकते हैं। आपको क्लियरली गाइस नजर आ रहा होगा ये हर क्वार्टर में अपने ग्राफ को इंक्रीज किया है, कुछ ना कुछ ही बढ़ाया, लेकिन ये गाइस अपने ग्राफ को बढ़ाया ही है। इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये शेयर होल्डिंग का मैंने समरी लगा रखा है और ये ट्रेंड गाइज लगा हुआ आप देख सकते हैं। जो प्रमोटर्स के पास शेयर है दिसंबर 2020 में जो शेयर था वो 36.59% तक का शेयर होल्डिंग इसने दिसंबर 2020 में रखा था गाइस, और मार्च की बात करें तो मार्च में आप देख सकते हैं 36.59, तो इसने अपने शेयर होल्डिंग को ना ही इंक्रीज किया है और ना ही डिक्रीज किया है। इसने जो शेयर होल्डिंग पहले था इसके पास और अभी भी उतना ही है, 36.59% तक का शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स है अभी रखे हुए हैं गाइज। अगर FIA की बात करें तो आप FIA के पास देख सकते हैं दिसंबर 2020 में जो शेयर है 23.79% तक ये FIA रखे हुए था, और मार्च 2021 की बात करें तो 25.95 यानी कि 26% तक का शेयर होल्डिंग अभी जो है FII रखे हुए। तो गाइस इसने दिसंबर के पीछे मार्च में है अपने शेयर को इंक्रीज ही किया है, आप देख सकते हैं काफी क्लियरली आपको दिख रहा होगा गाइस 26% तक का शेयर होल्डिंग जो है अभी FII अपने पास रखे हुए है। तो गाइस अगर DII की बात करें तो DII के पास आप देख सकते हैं 7.13% तक का शेयर होल्डिंग दिसंबर 2020 में था, और गाइस मार्च 2021 की बात करें तो 5.6, तो गाइस इसने थोड़े ही अपने शेयर को डिक्रीज किया है लेकिन अभी भी ये 5.6% तक का शेयर होल्डिंग अपने पास रखे हुए है। तो गाइस अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में जो शेयर था वो 30.31% तक का शेयर होल्डिंग था पब्लिक के पास, और मार्च 2021 की बात करें तो अभी ये 29.72% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइज आप देख सकते हैं दिसंबर के अपेक्षा जो पब्लिक लोग हैं दिसंबर 2020 के अपेक्षा मार्च 2021 में अपने शेयर को जो है थोड़े डिक्रीज किए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी 29.72% तक का शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो गाइज अगर इसके समरी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका समरी में 36% तक का शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास, ये आप देख सकते हैं 26% तक का शेयर होल्डिंग जो है FIA के पास, और DIA के पास जो है 5.6% तक का शेयर होल्डिंग, और पब्लिक के पास भी आप क्लियरली देख सकते हैं इसका काफी अच्छा है, आप इसका ग्राफ है आप देख सकते हैं काफी बड़ा इसने बनाया है, पब्लिक के पास जो है 29.72% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि ये लोग कुछ एनालाइज करने के बाद ही अपने अपने शेयर को इतने सारे होल्ड करके रखे हुए हैं बाई करने के बाद, तो आप भी गाइज इन पे बिलीव कर सकते हैं, और इनके जो एनालाइज इन्होंने किया है और बिलीव इन्होंने ये इस जो है स्टॉक्स पे किया है तो आप भी बिलीव कर सकते हैं और अपने शेयर को बाई कर सकते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड करने के बाद आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने 1 डे कैंडल के साथ एस्कॉर्ट्स का चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं मैंने हाइकन ऐसी कैंडल लगा रखा है, इसलिए जो गाइस अभी जो ट्रेंड बना रहा है आप देख सकते हैं बुलिश ट्रेंड बना रहा है, और इसने कैंडल काफी अच्छा जो है बुलिश कैंडल बनाया है और काफी बड़ा कैंडल ये बना रहा है। ये जो शेयर आप देख सकते हैं चल रहा है 2.61% से जो अभी शेयर है अभी अप ट्रेंड बना रहा है, अप में चल रहा है गाइस आप देख सकते हैं, मैंने आपको रियल चार्ट पे क्लियर किया, आप यहाँ पे टाइमिंग इसका देख सकते हैं चल रहा है गाइस। तो गाइस जो फर्स्ट टारगेट है इसने अचीव कर लिया, जो इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो 1150 पे बन रहा है गाइस आप देख सकते हैं इसने इसको अचीव कर लिया। अगर इसको ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसका सेकेंड टारगेट जो बन रहा है 1221 पे, इसको इसको भी अचीव करके अगर गाइज आगे बढ़ता है ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो आप इसका थर्ड टारगेट देख सकते हैं, जो थर्ड टारगेट इसका बन रहा है वो 1272 पे बन रहा है। तो गाइज अगर ये सबको ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसका काफी सारे टारगेट्स बन रहे हैं, और इसका लास्ट टारगेट जो गाइज अभी बन रहा है वो आप देख सकते हैं ये 1442 पे बन रहा है। तो गाइज अगर इसको ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इतने सारे जो टारगेट बन रहे हो सकता है ये सबको अचीव करे। तो गाइज ये जो ट्रेंड आप देख सकते हैं कैंडल जो आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक देखकर समझ सकते हैं कि ये जो शेयर है काफी डाउन ट्रेंड बना चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है गाइज, तो यहाँ से अब ये अपना टारगेट की तरफ जरूर बढ़ना चाहेगा, ये अपना टारगेट को अचीव जरूर करेगा, और जो ये शेयर है अब अप ट्रेंड बनाने का चांस ज्यादा है। तो गाइज अगर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड बनाता है तो आप देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट अगर है उससे फर्स्ट सपोर्ट, तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट सपोर्ट वो बन रहा है 1115 पे, और अगर इसको ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता है तो इसका सेकंड सपोर्ट आप देख सकते हैं जो 1080 पे बन रहा है। अभी ये अप ट्रेंड बना रहा है और काफी इसने बड़ा ही कैंडल बनाया है और अपने फर्स्ट टारगेट को अचीव कर लिया है, तो अपना टारगेट की तरफ जरूर बढ़ेगा फिलहाल के लिए। गाइज अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, तो RSI मैंने आज लगा रखा है गाइस आप देख सकते हैं RSI का ये ग्राफ लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं RSI जो है आपको क्लियरली बाई करने का सिग्नल काफी क्लियरली आपको ये दे रहा है, आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे बाई करने का सिग्नल लास्ट टाइम दिया था लेकिन इसने तुरंत सेल का सिग्नल दिया और फिर से ये आपको क्लियरली बाई करने का सिग्नल दे रहा है, ये अभी आपको सेल का सिग्नल नहीं दे रहा बल्कि आपको क्लियरली बाई का सिग्नल दे रहा है।
तो अगर आप इस शेयर को बाई करना चाहते हो तो आप बाई कर सकते हैं। आपको ये काफी अच्छी प्रॉफिट दे सकता है, काफी अच्छे परसेंटेज के साथ प्रॉफिट आपको दे सकता है, क्योंकि आप देखकर कह सकते हैं कि ये जो शेयर है काफी ओवरसोल्ड हो चुका है और अब ये यहाँ से अप ट्रेंड बनाएगा। तो गाइस अगर एमएसडी की बात करो, देखिए मैंने एमएसडी लगा रखा है और एमएसडी का ग्राफ लगा हुआ है। एमएसडी आप देख सकते हैं, ये आपको एमएसडी जो है क्लियरली आपको ये बाई करने का सिग्नल दे चुका है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमके सेल करने का आपको सिग्नल दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वापस ये अभी आपको बाई करने का सिग्नल दे रहा है। अगर आप यहाँ से क्लियर नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो गाइस इसको आपके सामने मैं 4 आवर में कन्वर्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं 4 आवर में कन्वर्ट करने के बाद कहता है, पता है कि एमएसडी आपको लेट सिग्नल देता है, इसलिए 4 आवर में इसको चेंज करके देखते हैं। तो देखिए मैंने 4 आवर में इसको चेंज कर रखा है और ये जो है आपको बाई करने का क्लियरली सिग्नल दे चुका है गाइस। तो आप अगर बाई करना चाहते हैं एमएसडी का कंफर्मेशन से, तो आप बाई कर सकते हैं, आपको क्लियर सिग्नल दे रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस। हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उससे होता है गाइस कि हमारे जो नए अपडेट्स आते रहते हैं ये आपको मिलते रहेंगे, हमारे जो नए वीडियोज आते रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।